डोरेमोन तो बच्चों के साथ साथ आप सबने कई बार देखा होगा, पर आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि डोरेमोन बेसिकली एक मांगा यानी कि जापानीज कॉमिक सीरीज है। इसे हिरोशी फुजीमोटो और मोटो एबिको दो लोगों ने मिलकर लिखा और बनाया था, पर इन दोनों की टीम को फुजिको एफ फुजियो नाम से जाना जाता है। डोरेमोन की ओरिजिनल कॉमिक सीरीज 15 दिसंबर 1969 को पब्लिश हुई थी और 23 जून 1996 तक इसे पब्लिश किया गया था और इसमें लगभग 1345 स्टोरीज बनाए गए थे। शुरू से ही लोगों को डोरेमोन बहुत पसंद आया, इसी वजह से 1 अप्रैल 1973 से ही इसका एनिमेशन सीरीज शुरू कर दिया गया। डोरेमोन के 3 एनिमेशन सीरीज बनाए गए हैं। अभी जो हम देखते हैं डोरेमोन की तीसरी एनिमेशन सीरीज है। ये सीरीज 15 अप्रैल 2005 से शुरू हुई और इसमें 520 एपिसोड बनाए गए थे जो अभी तक पूरी दुनिया में हर भाषा में डब करके दिखाए जा रहे हैं। आपको तो पता होगा कि डोरेमोन एक रोबोट कैट जो 22nd सेंचुरी से आया है उसकी कहानी है। डोरेमोन फ्यूचर से पास्ट यानी कि 22nd सेंचुरी से 21st सेंचुरी में नोबिता की मदद करने आया है। पर क्या आप जानते हैं कि डोरेमोन नोबिता की लाइफ में कैसे आया और डोरेमोन के पास इतने गैजेट्स कहाँ से आए? डोरेमोन को किसने बनाया, उसकी ट्रेनिंग कैसे हुई और कैसा था डोरेमोन का ट्रेनिंग स्कूल? और भी डोरेमोन से जुड़ी बातें जानने के लिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। हेलो एवरीवन, मैं हूँ साइंसोलॉजी। इस वीडियो में आप जानेंगे डोरेमोन को कैसे बनाया गया और डोरेमोन की लाइफ में नोबिता कैसे आया और डोरेमोन को किस लैब में बनाया गया। नोबिता के स्कूल को तो हमने कई बार देखा है, पर डोरेमोन का स्कूल तो शायद आपने नहीं देखा होगा। तो चलिए देखते हैं डोरेमोन का ट्रेनिंग स्कूल कैसा था। इसके लिए हमें जाना होगा 22nd सेंचुरी के मित्सुबिशी लैब में, जहां डोरेमोन की तरह बहुत सारे रोबोट्स बनाए गए थे। डोरेमोन को जब बनाया गया था तो उसका ओरिजिनल कलर तो ब्लू था, पर इसके ऊपर येलो कलर की कोटिंग की गई थी, इसलिए डोरेमोन शुरू में येलो कलर का था, जैसा कि आप सब डोरेमी यानी कि डोरेमोन की बहन का कलर देखते हैं। और डोरेमोन के कान भी थे जिस समय उसे बनाया गया था। यहाँ पर रोबोट्स की स्पेशल ट्रेनिंग होती थी, उन्हें सिखाया जाता था कि गैजेट का यूज कैसे किया जाए, उन्हें यह भी बताया जाता था कि अपना खाना वो खुद से कैसे खा सके। एक बार जब डोरेमोन टेस्टिंग के लिए जा रहा था, उसी समय टाइम पेट्रोल यानी कि टाइम पुलिस से कुछ क्रिमिनल्स भाग रहे थे। टाइम पेट्रोल ने क्रिमिनल्स पे हमला किया, उन क्रिमिनल्स की शिप टूट गई जिससे एक बिजली गिरी और बिजली सीधे गिरी डोरेमोन के सिर पर और डोरेमोन के सिर पर से एक स्क्रू खुल गया और वो नीचे गिर पड़ा और वो भी कचड़े के डब्बे पर। वहाँ पर उसकी जान फीमेल डांस कैट रोबोट डोरा याकी ने बचाई और वो डोरेमोन को उसी लैब में वापस ले गई जहाँ पर उसकी टेस्टिंग हो रही थी। वहाँ पर हर रोबोट को डेली कुछ टास्क दिए जाते थे, पर डोरेमोन वहाँ पर सारे रोबोट से पीछे रहता था, जैसे कि नोबिता अपने स्कूल में सबसे पीछे रहता है। एक दिन वहाँ पर प्रोफेसर ने बुलाकर डोरेमोन से कहा, तुम्हारी परफॉर्मेंस इतनी बुरी है कि तुम्हें डिसमेंटल किया जा सकता है क्योंकि तुम किसी काम के नहीं हो। इसके बाद डोरेमोन बहुत अधिक घबरा जाता है। उसके बाद प्रोफेसर कहते हैं कि तुम्हें स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर भेजा जाएगा। उसके बाद डोरेमोन को स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर भेजा जाता है, उसमें डोरेमोन की टफ ट्रेनिंग होती है। फाइनली ट्रेनिंग कम्प्लीट होती है, उसके बाद उसे रोबोट ऑडिशन के लिए भेजा जाता है। जापान में रोबोट ऑडिशन होते थे जिसमें हर रोबोट अपनी स्पेशल क्वालिटीज़ को लोगों के सामने दिखाता था, उसी आधार पर लोग उसे पसंद करते थे। डोरेमोन एक बेबी सीटर रोबोट था जिसे पसंद किया नोबिता के ग्रेट ग्रैंडसन शिवाशी ने। उसके बाद नोबिता के ग्रैंडसन शिवाशी के साथ डोरेमोन रहने लगा। एक दिन शिवाशी ने डोरेमोन का पोर्ट्रेट बनाया और उसने खुद के बनाए हुए रोबोट चूहे से कहा कि डोरेमोन के कान खा जाए, और चूहे ने एक गलती की, उसने पोर्ट्रेट वाले डोरेमोन के नहीं बल्कि असली वाले डोरेमोन के कान खा लिए। उसके बाद डोरेमोन को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। जब डॉक्टर ये कहते हैं कि डोरेमोन के कान कभी वापस नहीं आएंगे, ये सुनकर डोरेमोन बहुत अधिक उदास हो जाता है। जब लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं तो वो जोर जोर से रोने लगता है। रोते रोते वो कहीं एकांत जगह पर पहुंच जाता है। फिर अपना खराब मूड ठीक करने के लिए वो अपने पॉकेट से खुश होने का गैजेट निकालता है, लेकिन वो फिर गलती कर बैठता है। उस गैजेट की वजह से वो और अधिक तेज़ी से रोने लगता है। वो इतना रोता है कि इसके ऊपर की येलो कोटिंग निकल जाती है और डोरेमोन वापस से ब्लू कलर का हो जाता है। उसके बाद उसकी बहन डोरेमी भी वहां आती है। जब डोरेमोन को यह पता चलता है कि उसका येलो कलर निकल चुका है तो वो घबरा जाता है। घबरा के वो एक और गलत गैजेट निकाल देता है, उसकी वजह से वो समुद्र की तरफ भागने लगता है। भागते भागते वो स्पेस शिप से टकरा जाता है। वो स्पेस शिप किडनैपर की होती है जो शिवाशी को पकड़ के ले जा रहे होते हैं। जब स्पेस शिप और डोरेमोन की टक्कर होती है तो स्पेस शिप नीचे गिर जाता है और स्पेस शिप का पीछा एक पुलिस कर रही होती है और शिवाशी की जान डोरेमोन बचा लेता है और शिवाशी डोरेमोन को अपने घर वापस
वापस ले जाता है और शिवाशी ही डोरेमोन को नोबिता के घर भेजता है। शिवाशी डोरेमोन को टाइम टीवी के जरिए बताता है कि उसके ग्रेट ग्रैंडफादर नोबिता स्टडी से लेकर स्पोर्ट्स में कितने पीछे हैं। वो इतने आलसी हैं कि कोई भी काम सही से और समय पर नहीं कर पाते। सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। वो इतने बड़े लूज़र हैं कि लाइफ में किसी भी काम में सफल नहीं हो पाए। उनकी इसी हरकतों की वजह से आज भी मेरा फ्यूचर ख़राब है, आज भी हम गरीबी झेल रहे हैं। इसलिए डोरेमोन को वो टाइम मशीन की मदद से वो पास्ट में भेजता है कि नोबिता का प्रेजेंट सुधार सके और शिवाशी का फ्यूचर सुधर सके। और उसके बाद से तो डोरेमोन और नोबिता तो हर बच्चों के जीवन का हिस्सा बन गए हैं। एनिमेशन सीरीज़ के साथ साथ इस पर 38 से भी ज़्यादा मूवीज़ बन चुकी है। इस पर बनाए गए वीडियो गेम भी काफ़ी पॉपुलर हैं। डोरेमोन को 1973 में जापान कार्टूनिस्ट एसोसिएशन अवार्ड से नवाजा गया था। 2008 में जापान के विदेश मंत्रालय ने डोरेमोन को राष्ट्र का पहला एनिमे राजदूत बनाया था। जापान का सांस्कृतिक आइकन है डोरेमोन। भारत में हिंदी, तमिल, तेलुगु भाषा में इसे दिखाया जाता है। 2013 और 15 में निकलोडियन किड्स चॉइस अवार्ड में बेस्ट शो फॉर किड्स अवार्ड से भी डोरेमोन को नवाजा गया। अवार्ड तो डोरेमोन के लिए बहुत छोटी सी बात है। डोरेमोन ने तो हर बच्चे का दिल जीत लिया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आप मेरे चैनल से जुड़े अपडेट सबसे पहले पा सकें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।